पड़ोसी महिला से पिता के अवैध संबंध से तंग आकर बेटे ने पिता और उसकी प्रेमिका को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को सेफई मिनी पीजीआई में और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपी शिवम बेटे को अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जो लड़का शिवम है उसकी मां 2017 में डायबिटिक्स के कारण मर गई थी और उसके बाद उसका पिता जो था अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रहा था और अपनी संपत्ति को भी काफ़ी ज़्यादा उसने बेच दिया था, जिसको के कारण बच्चे में रोष था और उसके पिता की जो व्यवहार था उससे भी बच्चा रुष्ट था, जिसके कारण कल उसने अपने पिता पर जो गोली चलाई थी। पिता का इलाज इस वक्त सैफी के पीजीआई में चल रहा है, उसका ऑपरेशन हो चुका है और वो खतरे से बाहर है। महिला का इलाज भी जो सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त चल रहा है।